एम एडवोकेट हसन महमूद भुटा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एफ आई ए के अभी पेपर्स आने वाले हैं एफ आई ए सब इंस्पेक्टर के पेपर आने वाले हैं आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया मैसेज़ किए मुझे कुछ दोस्तों ने इसके साथ साथ जो है कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए साथ ई मेल्स भी आई और आ, बेसिकली रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बनाई जा रही है ताकि आप लोग आ, आप लोगों को यह पता चल सके कि आप पेपर किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और किसी भी किस्म के जो मसाइल हैं वो आपको दरपेश नहीं ना हो तो पहली एक चीज के लिए मैं आपसे व्यूवर्सरत कर लेता हूं कि अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्थी हुई नजर आ जाए या क्योंकि आज मैं प्रॉपर इसको किसी स्टैंड पे बस हाथ में फोन पकड़ के बना रहा हूं ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे तरीके से प्रेपरेशन कर लें अच्छा तो पहले तो हम इसमें पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं इस्लामिक स्टडीज और नॉन मुस्लिम्स के लिए सिविक्स एथिक्स आएगा टेन मार्क्स का फिर आपका पाकिस्तान स्टडीज uh, आ जाएंगी पाकिस्तान अफेयर्स आ जाएंगे टेन मार्क्स के फिर ट्वेंटी मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज है फिर आपका इसके बाद जो है आपका ट्वेंटी मार्क्स का इंग्लिश है फिर आपका जी आई है ट्वेंटी मार्क्स का ठीक है इसके बाद आपका कंप्यूटर साइंसिस है ये बेसिकली बाकी जो मार्क्स हैं उनका आपका कंप्यूटर साइंस का पोर्शन आएगा ये बेसिकली जो मैंने अभी आपको पेपर पैटर्न बताया है ये आपका आ, सब इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये आपका पेपर पैटर्न होगा इसका जो टेस्ट है वो एफ आई ए कंडक्ट करेगी एफ आई ए के थ्रू ही आप लोगों ने अप्लाई किया था तो इसमें मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इसमें कामयाबी किस तरह से लेनी है क्या करेंगे कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाए तो व्यवर्स पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपको आ, सबसे पहले इंग्लिश का ग्रामर यूजेज हो गया सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हो गया टेंसेज हो गए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए एक्टिव पैसिव हो गए इनकी आपने डेली प्रैक्टिस करनी है कम से कम इंग्लिश की एक घंटा प्रैक्टिस करनी है सब इंस्पेक्टर के लिए जो मोस्टली कैंडिडेट्स हैं उनकी अंग्रेजी का थोड़ा सा इशू होता है तो आपने अगर इंग्लिश पे अच्छा फोकस कर लिया अच्छी तैयारी कर ली तो यकीन जानिए आपको ये सीट लेने से कोई नहीं रोक सकता दूसरी चीज यह है कि आपका पाकिस्तान अफेयर पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए बारहवीं तक सेकेंड ईयर तक हम बात कर लेते हैं जितना भी पाकिस्तान अफेयर है वो आपको आना चाहिए पाकिस्तान अफेयर आपकी ग्रिप होनी चाहिए चाहे वो प्री पार्टीशन है चाहे वो पोस्ट पार्टीशन है ठीक है प्री पार्टीशन से मुराद है उन्नीस सौ से, से पहले वाला पोस्ट पार्टीशन से मुराद है उन्नीस सौ से, से बाद वाला जीके के लिए क्या करना है जी सब इंस्पेक्टर के और असिस्टेंट डायरेक्टर के इंस्पेक्टर एफ के जो पास पेपर एफ के हैं उसमें से अच्छे तरीके से जीके को प्रिपेयर कर लो इन शाला आप लोग जरूर उसमें कामयाब हो जाएंगे अच्छा जी बात हम कर लेते हैं आई के सवाल की सर आ, आ, बच्चों ने कुछ ने मुझे पूछा कि सर हम आई की प्रिपरेशन कैसे करें आई के सवाल किस तरह के आएंगे आप लोगों ने सिंपल गूगल पे जाना है और आई टेस्ट प्रिपरेशन लिख देना है या आई IQ... आपने लिख देना है जी आई क्यू एग्जाम आई क्यू प्रैक्टिस आई क्यू एग्जाम लिख देना है तो इस तरह का कोई भी आप लोग वर्ड्स दो तीन लिखेंगे ठीक है तो प्रैक्टिस आई क्यू एग्जाम लिख दें प्रैक्टिस आई क्यू एग्जाम प्रिपरेशन लिख दें ठीक है पांच सात लिंक आपके सामने ओपन हो जाएंगे उन पांच सात लिंक्स के अंदर आप आ, उनको बारी बारी ओपन करें और जब आप उनको ओपन करेंगे तो उनके अंदर प्रैक्टिस एक्सरसाइज होंगी उनको प्रिपेयर करें ठीक है आई क्यू के सवाल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते प्रैक्टिस मांगते हैं और कम से कम आपने डेली बेसिस पे जैसे एक घंटा इंग्लिश को देना है एक घंटा आपने आईक्यू के सवालत को देना है ठीक है बाकी का जो एक घंटा है तीन घंटे डेली पढ़ना है बाकी का जो एक घंटा है वो आपने इस्लामिक स्टडीज़ के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए पाकिस्तान अफेयर के लिए रखना है वो आप किसी भी किताब से कर सकते हैं पास पेपर से कर सकते हैं लेकिन सवाल वो करें जो आपको लगता हो जो बेसिकली पुराने पेपर्स में रिपीट हुए हैं ठीक है उन सवाल आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें उनके हवाले से उनक, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो इनशाला तला सब इंस्पेक्टर के पेपर में आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे तो व्यवर्स इनशाला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नेगेबान